इसको प्यार कहें या सनक, इश्क की आग जब हद से आगे बढ़ जाए तो शायद ऐसा ही होता है। रिश्तों की डोर को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर और खबर रांची के पिठोरिया की है। पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर विश्वास के पीठ में छुरा भोंकने जैसी हरकत करने वाली इस महिला की तस्वीर को देखिए। एक जमाना था जब अपने पति के लिए समर्पण और प्यार के बदौलत सती ने काल के गाल से उसे वापस छीन लिया था। इस तस्वीर पर गौर फरमाइए, ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से आई है। दरअसल पिठोरिया इलाके में रहने वाले कार्तिक केशरी दुनिया से बेखबर अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त अपने आने वाले कल को सुनहरा बनाने के लिए राशन डीलर का काम करते थे। कार्तिक बेतहाशा मोहब्बत करते थे अपनी पत्नी से, लेकिन विश्वास की गली में पसरे अंधेरेपन की मार से खुद को बचा नहीं पाए। सात फेरों के बाद जिसके साथ सात जन बिताने का वादा किया था, उसने सात मिनट में रिश्ते की डोर को तोड़कर कार्तिक के साथ उनके प्यार विश्वास का कत्ल कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कार्तिक केशरी की हत्या उसी की पत्नी ने करवाई थी। मामले का मुख्य आरोपी कार्तिक की पत्नी का आशिक अंकित केसरी बताया जा रहा है। शादी के 13 साल बीत गए थे, दो बेटे हैं, लेकिन अब इनकी शादी शादी नहीं रही। जानकारी के अनुसार एक शादी समारोह में कार्तिक ने अंकित के साथ एक प्लेट में दोनों को खाना खाते देख लिया था। उस समय उसने अपनी पत्नी को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद प्रेमी और पत्नी ने हत्या की साजिश रच डाली। इस बीच पूरी प्लानिंग के साथ बीते 27 सितंबर की रात शॉपिंग से लौटने के बाद बाढ़ू चौक से कुछ दूर पहले कार रोककर कार्तिक पर हमला किया गया। उसके सिर पर रॉड से मारा गया। इससे कार्तिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद पत्नी ने पहले भांजे को फोन कर बुलाया था, फिर घर के बाकी लोगों को सूचना दी थी। हालांकि अस्पताल ले जाने के क्रम में ही कार्तिक की मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन पिठोरिया चौक जाम कर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। जब पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला उस दिन कार रोकने के लिए कहने वाली कोई और नहीं कार्तिक केशरी की पत्नी है। पुलिस ने उसकी पत्नी को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई, तब जाकर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ।